नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे संतुलन की, लग्न संतुलन की राशि तुला, लग्न तुला राशि के जातकों के लिए। आपके भाग्य के स्वामी स्वग्रही हो रहे हैं। भाग्य का जब आपको साथ मिले ना, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जो आप ख्वाब आपने पाले हैं, वो ख्वाब पूरे हो सकते हैं। भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है, कहने के लिए छोटा शब्द है, लेकिन भाग्य सपोर्ट करे तो आप जो आपके परिवार में किसी ने नहीं किया, आप वो कर सकते हैं। फिर आप बहुत बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं। आपके एजुकेशन कुछ भी हो, नौवीं फेल हैं, शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। ठीक, आप क्रिकेट का बल्ला कभी नहीं पकड़े हैं, आप क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन सकते हैं। ये होता है भाग्य। आपके भाग्य भाव के स्वामी भाग्य के घर में ही गोचर कर रहे हैं। ठीक, भाग्य के घर में बुध महाराज 14 जून से, मतलब आज से, तो गोचर बुध का जो है श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। कहाँ, कैसे, कितना, टू द पॉइंट चीजें। पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। आपके बुद्धदेव व्यय भाव के स्वामी हैं, साथ में भाग्य भाव के स्वामी हैं, किंतु ज्योतिष शास्त्र नियमों से चलता है भाई। सब कुछ नियमों से संसार में चलता है। आप रोड पे चलते हो ना, ट्रैफिक का नियम मत फॉलो करो, दो दिन में हाथ पैर तोड़ के बैठ जाओगे, एक दिन में, एक घंटे में टूट जाएगा हाथ पैर दोस्त। इसलिए नियम को मानना ही पड़ेगा। बुध महाराज व्यस हैं, किंतु ज्योतिष कहता है कि द्वितीय और द्वादशेष सदैव अपनी दूसरी राशि का ही फल देंगे। इसलिए यहाँ पे बुध महाराज भाग्य भाव का ही फल देंगे। किसी तरह का कोई दुविधा ही नहीं है। भाग्यम फल श्रोदान विद्यान पौरुषम, तो भाग्य आपका जगेगा, भाग्य सपोर्ट करेगा। आपके कुंडली में यहाँ पे दो दो ग्रहों की युतियाँ बन रही हैं। शुक्रदेव भी भाग्य के घर में गोचर कर रहे हैं। शुक्र बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। अब पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं उनका उदय हो रहा है। भाग्य क्या है, आपको काम करने का मौका मिले। बहुत लोगों को लाइफ में मौका ही नहीं मिलता कि वो काम कर पाए, आपको अवसर मिले, उन अवसर पे आप सवार होकर आगे निकल जाइए। तो यहाँ पे पहले ये मृगशिरा नक्षत्र में चलेंगे, उसके बाद फिर आर्द्रा का प्रभाव लेके चलेंगे, ठीक है, उसके बाद पुनर्वसु का प्रभाव लेके चलेंगे, तीन तरह का प्रभाव लेके चलेंगे। तो मंगल के नक्षत्र में डेफिनेटली आपको लाभकारी होंगे। क्यों, क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश है, मंगल आपके द्वितीय है। तो धनार्जन, मतलब कहीं रुका हुआ पैसा है, किसी से मांगना है, आप मांग लीजिए, कोशिश करिए, आपको इस टाइम अवश्य मिलेगा। आप प्रयास करके तो देखिए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, नो डाउट। बुध आपके चूंकि बुद्धि के स्वामी हैं, बुध बुद्धि का कारक है, तो बुद्धिमान लोगों के साथ रहिएगा, बुद्धि का उपयोग अवश्य करिएगा, ठीक है ना। बुद्धि वो जो सभी परेशानियों से आपको मुक्त कर दे। गणपति आराधना करना श्रेष्ठ लाभ देगा। गाय को चारा खिलाना, पंछियों को दाना डालना श्रेष्ठ लाभ देगा। आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आदिशक्ति जगदम्बा की, माता सरस्वती की, माता लक्ष्मी की उपासना करना श्रेष्ठ लाभ देगा। आप जब भी मंदिर में जा रहे हैं तो कुछ न कुछ उनको फल लेके जाइए, कुछ न कुछ माता रानी को चढ़ा के आइए, आप देखेंगे आपके बिगड़ते हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो यह एक श्रेष्ठ गोचरी स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र महाराज भी हैं, लग्नेश का आपको साथ है, राशिस का साथ है, तो भाग्य भाव के स्वामी, राशि भाव के स्वामी और राशि के स्वामी आपके नवम भाव में, मतलब शुक्र का भी गोचर हो चुका है। शायद मैंने वीडियो आपको नहीं दिया, 12 जून को ही मिथुन में हो गया है, 7 जुलाई तक यहीं पर रहेंगे शुक्रदेव। तो शुक्रदेव का भाग्य के घर में गोचर, भाग्येश का भाग्य के घर में गोचर, सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, तो उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए और स्पीड पकड़िए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ लाभ देगा। तो खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, राधे राधे करते रहिएगा। बुध और शुक्र को जितना मजबूत कर सकते हैं उतना आपके लिए लाभकारी होगा। बहन बेटियों से संबंध बेहतर बना के रखना भविष्य के लिए सुंदर मंगलमय परिणाम देने वाला होगा। आपके लिए राधे राधे।